सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर आज हमारे पास अवेलेबल है यामाहा की मोस्ट फेमस जो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में आती है R15, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में डिमांड में रहती है, वो ये है यामाहा MT15। इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है यामाहा R15M या R15V4 की तरह सेम स्पेसिफिकेशन है, लेकिन लुक वाइज ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपको नेकेड बाइक लेनी है अंडर 2 लाख, 2 लाख से नीचे आपके पास कोई नेकेड बाइक ऑप्शन है कोई और ब्रांड के अलावा यामाहा का, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, क्योंकि जो इसका फ्रंट है वही सबसे ज्यादा एग्रेसिव लगता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट आप देख सकते हो बहुत एग्रेसिव और रोबोटिक बिल्कुल लुक आता है फ्रंट से। ये 2 आईज और बीच में ये प्रोजेक्टर लगता है, एकदम रोबोट का फेस की तरह यहाँ पर लगता है। और मैं आपको एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन करने के बाद क्या लुक आती है इसकी, और फ्रंट से आपको कुछ इस तरीके का लुक लगता है। और अब स्टार्ट करते हैं इसके ओवरऑल क्या क्या हमें इसमें खास देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं ये है इसका शॉक अब्जॉर्बर। अपसाइड डाउन आपको फॉक्स मिलते हैं, जो मिलते हैं आपको गोल्ड एक्सेंट के साथ, जो इस बाइक को बहुत प्रीमियम लुक देते हैं। और यहाँ पर फ्रंट में अगर बात करें तो ये देखो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है बाइब्रेक की, उसके बाद इसके अंदर आपको ABS भी इंटीग्रेटेड मिलता है। और अगर हम टायर साइज की बात करते चलें साथ के साथ, तो आपको यहाँ पर मिलता है टायर साइज 180/70। तो आपको 100 सेक्शन का फ्रंट में टायर देखने को मिलता है, और रियर के अंदर आई थिंक 140 का आपको मिलना चाहिए। तो वो भी आगे अब जब हम पीछे जाएंगे तो वो आपको मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फ्रंट में देखो ये इसके टर्न सिग्नल हैं, ये आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही मिलते हैं, लेकिन LED इंडिकेटर आप कन्वर्ट करा सकते हो बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको यहाँ पर एक ये वेंट मिल जाएगा प्रॉपर, जिसके अंदर से एयर आई थिंक ये प्रॉपर वर्क करती है। और कूलिंग की तो कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपको इसके अंदर लिक्विड कूलिंग देखने को मिलती है, जो एक काफी बढ़िया बात है। ये आप इसके अंदर रेडिएटर देख सकते हो, ये लिक्विड कूलिंग का है। और जब आप इसे परचेज करने की सोचोगे तो आप इसके अंदर एसेसरीज में इसका जो रेडिएटर गार्ड है वो लगवा सकते हो। और ये इसका इंजन है, सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं। तो इंजन आपको इसके अंदर सेम देखने को मिलेगा, 155cc का इंजन आपको लिक्विड कूल मिलेगा, जो R15 है उसके अंदर भी आपको सेम स्पेक्स के साथ मिलता है। ये आपको यहाँ पर इसकी सिल्वर के साथ बैजिंग देखने को मिलेगी, जो काफी बढ़िया लग रही है। और देखो ये है प्रॉपर MT15 रोबोटिक लुक के साथ, ये इसका इंजन है। यहाँ से आप इसका ऑयल फिल कर सकते हो, और ये इसका इंजन ब्लॉक आप देख सकते हो जो लिक्विड कूल्ड है। तो इस तरीके का इंजन ब्लॉक लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आता है। ये आपको इसके फुट पैक्स मिल जाएंगे प्रॉपर, ये देखो मूव करने वाले, और एल्यूमिनियम के हैं। ये ब्रेक लीवर है, ये लाइट देखो, मैं आपको अभी बैक जाके दिखाऊंगा प्रॉपर। जो इसके अंदर हमें ABS देखने को मिलता है, वो अभी फिलहाल हमें इसमें सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन रियर में डिस्क मिलती है, और डिस्क का जो साइज है वो यहाँ पर आप देख लो, अच्छा खासा डिस्क का साइज आपको देखने को मिलेगा। और ये इसकी स्विंग आर्म आ गई है। टायर की बात करते हैं तो ये टायर सेक्शन देखो, वही FZX की तरह ही है, 140/70/17। तो यहाँ पर ये इसका टायर सेक्शन है, जो काफी वाइड है अगर बाइक के हिसाब से देखा जाए, इंजन कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो काफी वाइड आपको देखने को मिलता है। उसके बाद ये रियर में डिस्क ब्रेक तो है ही है। सीट हाइट भी मैं आपको एक बार बता दूंगा क्या इसकी सीट हाइट रहने वाली है, स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी। तो ओवरऑल यहाँ पर एक काफी एग्रेसिव लुक है, काफी बढ़िया लुक है, और ये प्राइस के हिसाब से भी और अगर लुक के हिसाब से देखा जाए तो काफी अलग लेवल की बाइक जाती है। उसके बाद चलते हैं इसके सेंटर कंसोल पे, देखते हैं इसके अंदर में क्या खास देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एक बार बैक लुक दिखा देता हूँ। तो ये रहने वाला है इसकी टेल लाइट, और देखो जब हम टेल लाइट को ब्रेक प्रेस करते हैं तो टेल लाइट कुछ इस तरीके से इसमें ब्लिंक होती है। ये सारी बाइक्स जो अवेलेबल हैं अंबाला कैंट में, GV मोटर्स यामाहा शोरूम है अग्रवाल धर्मशाला के पास, तो आप यहाँ पर आके चेकआउट कर सकते हो बढ़िया ऑफर्स के साथ। दिवाली के ऑफर्स के साथ यहाँ पर ये बाइक्स अवेलेबल हैं, अच्छे खासे ऑफर्स चल रहे हैं इस पे भी, FZX पे भी और FZS पे भी, जिसपे आपको एसेसरीज फ्री मिल रही है और उसके बाद RSA भी आपको फ्री मिलता है। तो ये काइंड ऑफ तगड़ा ऑफर आपको मिल रहा है, ये देखो। अब मैं एक बार आपको इसकी ग्रैब रेल भी दिखा देता हूँ, इसके अंदर कुछ यूनिक तरीके की ग्रैब रेल्स दी हुई है। ये देखो यहाँ से ये स्टार्ट होती है और ये ऑल द वे यहाँ तक जाती है। तो ये देखो ये ग्रैब रेल है, जब आप पिलियन को बिठाओगे तो यहाँ पर वो इन चीज को ग्रैब कर सकता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ग्रैब रेल एज सच कोई नहीं है, ये सिर्फ लुक का पार्ट है। ये सीट है, कुशनिंग काफी बढ़िया है फ्रंट में, तो एटलीस्ट काफी बढ़िया है। रियर के अंदर आप एक्स्ट्रा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एज सच। ये
पूरी टेल टाइड ही है, जो कितनी बाहर निकल रही है आप ऑलरेडी देख ही सकते हो, ज्यादातर लोग इसे निकलवा ही देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इसकी स्विंग आर्म। ये काफी बढ़िया स्विंग आर्म है और प्रीमियम है, बॉक्सी स्विंग आर्म नहीं है यहाँ पर, ये कास्ट आयरन वाली है, जो काफी बढ़िया लुक है। उसके बाद अब चलते हैं इसके सेंटर कंसोल में, देखते हैं भाई इसमें हमें सेंटर में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स हमें इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हैंडल्स पे चलते हैं, फिर हमें यहाँ पर ये बटन्स मिलते हैं, देखो ये बिल्कुल छोटा सा रखा हुआ मिनिमलिस्टिक, यहाँ पर आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये लो बीम हाई बीम, और इसी के अंदर ही यहाँ पर पास इंटीग्रेटेड है, तो इसे नीचे प्रेस करोगे तो पास करेगा। उसके बाद ये हॉर्न है और ये आपका टर्न सिग्नल है, बहुत छोटे से हैं लेकिन अच्छी तरीके से प्लेस है, आपका थंब जो है वो इजिली यहाँ पर लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये है इंजन की स्विच और यहाँ पर ये स्टार्ट का, एज सच यहाँ पर मेरे को अभी कोई वो नहीं दिख रहा जिससे हम चारों इंडिकेटर को एक साथ कर सकते हैं, लेकिन आप हजार स्विच लगा के कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मीटर कंसोल, सेंटर कंसोल जो R15 की तरह ये सेम टू सेम। तो यहाँ पर हम इसे ऑन कर लेते हैं, फ्यूल इंजेक्शन है तो आपको फ्यूल पंप की आवाज आराम से आएगी, और देखो एक बार मैं दोबारा से ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये लाइट जलती है, ये RPM लिमिटर की लाइट है, ये देखो जब आप इसे RPM एक लिमिट के साथ हाई करोगे तो फिर ये लाइट ब्लिंक होगी। अब बात करते हैं इसकी, इसके अंदर हमें क्या क्या नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं सेंटर कंसोल के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये लाइट्स हैं, सबसे पहले है ये गियर की गियर पोजीशनिंग लाइट, उसके बाद है ये इंजन चेक इंजन लाइट, उसके बाद ये ABS लाइट, ये है लो बीम हाई बीम, ये है टर्न सिग्नल की लाइट। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले की अगर बात करें तो ये ब्लू एसेंट के साथ है, इन्वर्टेड डिस्प्ले है तो कलर्स जो है वो इन्वर्टेड आते हैं। सबसे पहले गियर पोजीशनिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कौन से गियर में आपकी गाड़ी चल रही है तो वो सब आपके यहाँ पे शो होगा। ये है आपका RPM कि आपका इंजन कितने RPM पे रेव कर रहा है, ये आपकी स्पीड यहाँ पर आपको शो होगी, ये आपका जो है ऑडोमीटर है, फ्यूल इंडिकेटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर दो बटन्स मिलते हैं, एक है ये मोड का और दूसरा है ये सिलेक्ट का। तो मोड से सबसे पहले मोड में चलते हैं, तो हमें क्या चेंज मिलता है, सबसे पहले क्लॉक आ जाती है, उसके बाद यहाँ पर हमें ये मिलती है रेंज, फिर नेक्स्ट आपको एवरेज आपको मिल जाएगी कितनी आपकी बाइक एवरेज दे रही है, उसके बाद यहाँ पर ये एवरेज और है एक पॉइंट, उसके बाद ऑडोमीटर आ जाता है, उसका ट्रिप 1 है, ट्रिप 2 है, ट्रिप F है। तो आपको तीन ट्रिप इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें आप लाइक अगर हम ट्रिप 1 पे हैं तो अगर हमें इसे रीसेट करना है तो आप इसे रीसेट से कर सकते हो प्रेस करने के बाद। तो ये इसका सेंटर कंसोल रहने वाला है और ये इसका की नॉब है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके सीट हाइट की कि भाई कितने हाइट वाले लोगों के लिए परफेक्ट रहने वाली है, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब बात करते हैं इसके सीट हाइट की, तो मेरी जो हाइट है 5.6 इंच है, और एक बार देख लेते हैं इसकी हाइट क्या रहने वाली है, अगर आप इस हाइट पे हो तो आपको कितने बढ़िया तरीके से आपके फीट लगेंगे। देखो मेरे दोनों पैर के पंजे आराम से लग रहे हैं, और अगर मैं एक साइड से करता हूँ तो इजिली मैं इसे यहाँ पर होल्ड कर सकता हूँ, और ये ऐप इतनी हैवी भी फील नहीं होती जितना इसका एक्चुअल में वेट है। और हैंडलिंग के बारे में तो भाई का सबको पता है कि हैंडलिंग किस लेवल की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी फीट हाइट 5'6" इंच की है तो आप इजिली इसे मनूवर कर सकते हो, इजिली आप इसे कैरी कर सकते हो, ऐसा कोई हैवी या कोई ज्यादा सी हाइट इसकी नहीं है, तो इस मामले में भी काफी बढ़िया है और हैंडलिंग भी काफी अच्छी। और ये है इसके फुट पैक की पोजिशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेकेड स्पोर्ट्स के अंदर आपको स्पोर्टी पोजीशन मिल जाती है, जिससे काफी बढ़िया तरीके से ये लुक मिलता है। तो आप इसे हैंडलिंग में और जब आप इसे राइड करोगे काफी बढ़िया आपको ये एक अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस देने वाली है बाइक राइडिंग का। तो नेकेड स्पोर्ट्स के अंदर यामा की तरफ से ये वन ऑफ द कूलेस्ट प्रोडक्ट है जो आपको अंडर 2 लाख रुपीज मिल जाता है। अगर आप एसेसरीज और ऐड करते हो तो प्राइस ऐड होता रहता है।